एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट, कोई भी अप्लाई कर सकता है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको हिंदी का भी अच्छा नॉलेज है, अप्लाई आप कर सकते हो। इंग्लिश का नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज ये प्रोफाइल है गाइज, आपको यहाँ पर वर्क करना है फॉर मीशो। मीशो आप सभी जानते हो, बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। बहुत जल्दी इस कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। इसमें आपको जॉब करना है, इनके लिए आपको जॉब करनी है। कैसे करना है, कहाँ अप्लाई करना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम ये होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ बनी रहना है। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके बताऊंगी कैसे फॉर्म को फिल करना है कि आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिल पाए। गाइज, मैं एक एचआर हूँ बाय प्रोफेशन, रिक्रूटमेंट करवाती हूँ आईटी, नॉन आईटी, बीपीओ सेक्टर में। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो भी अपडेट्स मेरे पास आती है मैं आपसे शेयर करूं एंड कुछ ऐसे टिप्स आपको दे पाऊं जिससे कि आपका डेफिनेटली यहाँ पर सिलेक्शन हो पाए। ओके, तो वीडियो में एंड तक बनी रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की डेली अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी। अब चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि ये जो प्रोफाइल है कौन हायर कर रहा है। ये प्रोफाइल आई है मीशो के लिए, मीशो हायरिंग करवा रहा है। आपको काम करना है मीशो के लिए, जैसे अमेजन के लिए काम करते हैं, फ्लिपकार्ट के लिए काम करते हैं, वैसे ही आपको मीशो के लिए काम करना है। हायरिंग करवा रहा है सदरलैंड। सदरलैंड सिमिलर टू टेली परफॉर्मेंस है, जो कि टेक महिंद्रा है। ये लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए सर्विस प्रोफाइल पे वर्क करवाते हैं। सर्विस प्रोफाइल्स के लिए हायरिंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए लोग कैंडिडेट्स को हायर करते हैं और उनसे काम लेते हैं इन कंपनीज के लिए। तो यहाँ पर मीशो के लिए हायरिंग कर रहा है सदरलैंड, एंड आपको वर्क करना है मीशो के बिहाफ पर सदरलैंड के साथ। सो गाइस, सदरलैंड अगेन अ वेरी गुड कंपनी, बहुत ही रेपुटेड कंपनी है, एंड काफी टाइम से यहाँ पर हायरिंग हो रही होती है। काफी काफी कंपनीज, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लिए लोग हायरिंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए हायरिंग करते हैं। तो यहाँ पर आपको एसोसिएट कस्टमर सर्विस का प्रोफाइल मिलने वाला है। ये वर्क कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम है अभी, तो आपको कहीं भी नहीं जाना है। आपका इंटरव्यू भी ऑनलाइन ही रहेगा, मोस्टली इंटरव्यू के चांसेस भी नहीं है। सिंपल सा कम्युनिकेशन टेस्ट रहेगा आपका, आपका सिर्फ कम्युनिकेशन चेक किया जाएगा कितना आपको कम्युनिकेशन करने, इंटरेक्शन करने में आप इजीली कंफर्टेबल रहते हो, तो ये चेक किया जाएगा। कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये आपका प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अप्लाई करना है। सदरलैंड काफी रेप्यूटेड कंपनी है, ग्लोबल टीम है इनकी, एंड ये जो कंपनी है गाइज यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को हायरिंग करके देती है। तो ये वहां पर आपको वही करना है। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। 35 ईयर्स पहली की कंपनी है, मीन्स काफी पुरानी कंपनी है एंड बहुत ज्यादा वर्क ये कर चुकी है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बैक ऑफिस, कस्टमर सर्विस, इस तरह की प्रोफाइल्स के लिए लोग हायरिंग करते रहते हैं। तो सैलरी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। साथ ही गाइज, यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉयज को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव कंपेंसेशन तो मिलेगा ही, साथ में इंसेंटिव बहुत अच्छा मिलता है, ओवर टाइम बहुत अच्छा मिलता है, शिफ्ट डिफरेंशिएट मिलते हैं, साथ में आपको एनुअल मेरिट इंक्रीज भी मिलता है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। पेड ट्रेनिंग यहाँ पर मिलती है, कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑन साइट भी रहता है, बट ये जो प्रोफाइल है वर्क एट होम है, तो आपको घर से ही काम करना है। ट्रेनिंग भी आपको घर से ही मिलेगी, पेड ट्रेनिंग रहेगी, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आपका सिलेक्शन अगर यहाँ हो जाता है, चांसेस ये है कि आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है तो कंपनी आपको लैपटॉप भी प्रोवाइड करती है, वाईफाई का अलाउंस प्रोवाइड करती है, साथ ही फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है इस प्रोफाइल पर वर्क करने के लिए। साथ ही कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलती है, इंसेंटिव मिलते हैं, एंड पेड वेकेशन भी मिलता है, सिक लीव भी आपको यहाँ पर एनुअली दी जाती है। तो काफी सारे बेनिफिट्स हैं, अगर आप इन्हें ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आपको काफी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। 12th पास हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हो, अंडर ग्रेजुएट हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, बट एट प्रेजेंट आपका कॉलेज स्टार्ट नहीं होना चाहिए, आपको ये मेंशन नहीं करना है। ठीक है, तो ये इनके बेनिफिट्स हैं अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हो। एंड यहाँ पर क्या रोल होने वाला है, तो एज आई टोल्ड यू, ये जो प्रोफाइल है गाइस ये कस्टमर सर्विस की प्रोफाइल है। तो मीशो के जो भी कस्टमर्स हैं उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरीज होती है, कोई कंप्लेन्स होती है, वो आपको कॉल करेंगे, आपको उनके कॉल्स को आंसर करना है एंड उन्हें हेल्प प्रोवाइड करनी है। ठीक है, सिंपल सा प्रोफाइल है। उनके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उन्हें, आपको उन्हें सॉल्व करना है। हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक, तो आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। बहुत सिंपल प्रोफाइल है, कोई बहुत हाई लेवल की इंग्लिश आपसे नहीं मांगी जाएगी, सिर्फ बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए कि अगर कस्टमर आपसे बात कर रहा है तो आप उसकी बात को समझ पाओ एंड उसे रिवर्ट कर पाओ, इतना यहाँ पर रिक्वायरमेंट होने वाला है। इसमें अगर आपके पास बीपीओ का कोई प्रायर एक्सपीरियंस है, कभी आपने कस्टमर सर्विस में वर्क किया हुआ है, बीपीओ में वर्क किया हुआ है, किसी भी कॉल सेंटर पे आपने जॉब की हुई है, या किसी भी ऐसी प्रोफाइल पर काम किया है जहां पर आपको कस्टमर से इंटरेक्ट करना होता है ऑन कॉल या ईमेल्स के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या चैटिंग के थ्रू या डायरेक्टली भी आप इंटरेक्ट करते हो कस्टमर से, तो प्लीज
उन सब चीजों को अपने रिज्यूमे में हाईलाइट करके रखना, ठीक है। अगर वो एक्सपीरियंस है तो 100% आपको कॉल यहाँ से आ जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि रिवर्ट सभी को होने वाला है, सभी कैंडिडेट्स को रिवर्ट होने वाला है अगर वो प्रॉपरली अप्लाई कर देते हैं। उनके पास अगर कोई प्रायर एक्सपीरियंस है बीपीओ का, कस्टमर सर्विस का, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से रिवर्ट मिलने वाला है एचआर का। आपको डायरेक्टली टेस्ट लिंक मिल जाएगी, एक टेस्ट होगा, और उस टेस्ट को अगर आप क्लियर कर लेते हो तो एक फॉर जस्ट फॉर्मल से आपका एक इंट्रोडक्शन राउंड होगा, जिसको आप इंटरव्यू भी कह सकते हो, लेकिन कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं होने वाली है। सिंपली वो आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करेंगे, आपसे आपके बारे में पूछेंगे, आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, आपने क्या एजुकेशन की है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप किस सिटी को बिलोंग करते हो, आपने क्या एजुकेशन किया हुआ है, क्या एक्सपीरियंस आपको है, बीपीओ सर्विस के बारे में क्या जानते हो, मीशो के बारे में क्या जानते हो। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे जो बहुत ही सिंपल है। आपको कॉन्फिडेंटली बात करनी है, अपनी कमांड इंग्लिश पे है या हिंदी पे है उस लैंग्वेज में आपको अच्छे से बात करनी है। दोनों का नॉलेज आपको होना चाहिए, बिकॉज कस्टमर सर्विस की प्रोफाइल में दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सेलेंट नहीं चाहिए बट मैनेजेबल होनी चाहिए, ओके okay? तो अगर है डेफिनेटली आप इसके लिए अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, अप्लाई मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। इस तरह का पेज आपके सामने आएगा जहां पर एसोसिएट कस्टमर सर्विस की प्रोफाइल है ये। यहाँ पर आपको आपका रेज्यूमे ड्रॉप करना है, रेज्यूमे को जैसे मैंने बताया उस तरह से आप प्रिपेयर करना, अपडेट करना, बीपीओ सर्विस, कस्टमर सर्विस, क्लाइंट इंटरेक्शन, ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस है तो उसे हाईलाइट करना और फिर अपडेट करना, ठीक है। यहाँ पर आपको आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, एक्सपीरियंस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सभी डिटेल्स मेंशन करनी है। यहाँ पर मैसेज टू हायरिंग मैनेजर करना है आपको, तो मुझे कुछ ऐसा मैसेज आपको लिखना है जो आपकी प्रोफाइल, आपके स्किल्स को यहाँ पर शोकेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर कस्टमर सर्विस की प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, हेलो सर, दिस आपका नाम वगैरह आप मेंशन कर सकते हो, आपने ऑलरेडी ऊपर मेंशन किया हुआ है। हेलो सर, आई एम रियली इंटरेस्टेड एंड आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पोजिशन। इट विल बी ग्लैड इफ यू गिव मी अपॉर्चुनिटी टू गिव एन इंटरव्यू फॉर दिस पोजिशन, एज आई हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स फॉर द कस्टमर सर्विस प्रोफाइल। आई हैव एन एक्सपीरियंस इन टू बीपीओ सेक्टर और कस्टमर हैंडलिंग, आई एम रियली गुड इन कस्टमर हैंडलिंग, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इस तरह से आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हो, सो प्लीज गिव मी अ चांस टू गिव एन इंटरव्यू फॉर दिस प्रोफाइल, ओके, आई एम रियली वॉन्ट टू वर्क विथ यू। इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो, 4 to 5 lines आपको लिखनी है। जस्ट आपको मेंशन करना है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आपको बीपीओ का एक्सपीरियंस है, आपकी क्लाइंट हैंडलिंग स्किल्स अच्छी है। इस तरह से आप यहाँ पर मेंशन करके लिख सकते हो, ठीक है। देन आपका यहाँ पर जैसे आप नेक्स्ट करोगे, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट चीजें पूछी जाएंगी। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन जैसे ही सबमिट हो जाता है, यहाँ पर आपका जो सिस्टम है, आपका जो लैपटॉप वगैरह है, उसको टेस्ट किया जाएगा एंड वो आपको फीडबैक देंगे आपके मेल पर। आप जो भी मेल आईडी यहाँ मेंशन कर रहे हो, मेक श्योर एक्टिव मेल आईडी, एक्टिव फोन नंबर आप मेंशन करना, बिकॉज उन्हीं पर आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा। कंप्लीट प्रोसीजर आपका ऑनलाइन होने वाला है, कहीं आपको इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है, इंटरव्यू भी आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ओके। सो ऑल द बेस्ट गाइज, अप्लाई डेफिनेटली कर देना, शेयर करना सभी फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यहाँ बहुत सारे नंबर्स में हायरिंग है एंड डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के लिए हायरिंग आती रहती है। डोंट वरी अबाउट दैट, जैसे ही दूसरी किसी लोकेशन के लिए हायरिंग आएगी, आई अपडेट यू अबाउट दैट एज वेल। अभी जो हायरिंग हो रही है वो चेन्नई के लिए हो रही है, सो जैसे ही नेक्स्ट लोकेशन के लिए आती है मैं वो भी आपको कंफर्म कर दूंगी। एंड इस तरह की डेली अपॉर्चुनिटीज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अभी कल ही मैंने अमेजोन की एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपसे शेयर की है, उसमें अप्लाई डेफिनेटली कर देना। यहाँ पर भी अप्लाई कर देना, काफी ज्यादा चांसेस है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो, या टॉपमेट पे आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। गाइज, आई एम एन एचआर, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बहुत सारे टिप्स दे पाऊँ जो कि एक एचआर देखते हैं अपने कैंडिडेट में सिलेक्शन के टाइम, ठीक है। तो सब कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, सभी तरह की टिप्स मिल जाएंगी। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, एंड शेयर करो सभी फ्रेंड्स के साथ। अगर यूजफुल लगती है इन्फॉर्मेशन तो एक लाइक जरूर से करना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू अपडेट। थैंक यू, बाय बाय।